सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। बिहार के रक्सौल में जनसभा करने पहुंचे भोजपुरी फिल्म जगत के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। निरहुआ के मंच पर पहुंचते ही सभा स्थल पर शोर शुरू हो गया। इस दौरान भीड़ को नियंत्रित करने में पुलिसकर्मियों के पसीने छूट गए। सभा स्थल पर लगाया गया पंडाल भी टूट गया। कई कुर्सियां भी इस दौरान टूट गईं। रक्सौल के अम्बेडकर बस स्टैंड मैदान में शनिवार को बीजेपी प्रत्याशी प्रमोद कुमार सिन्हा के पक्ष में दिनेश लाल यादव निरहुआ ने चुनावी सभा को संबोधित किया। मंच पर निरहुआ ने भोजपुरी गाने पर खूब वाहवाही लूटी। साथ ही कहा कि बिहार अब तरक्की की राह पर चल रहा है। बिहार के विकास के लिए एनडीए गठबंधन की ही सरकार एकमात्र विकल्प है। निरहुआ ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में विकास को नया मुकाम मिला है। सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई आदि के क्षेत्रों में काफ़ी विकास हुआ है। निरहुआ ने कहा कि केंद्र सरकार ने देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हिंदुस्तान का झंडा बुलंद किया है। कृषि क्षेत्र में जहां किसानों की आय दोगुना करने का काम किया गया, तो वहीं देश में रोजगार के लिए बड़े अवसर प्रदान किए गए। वहीं महिला के उत्थान के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी बेहतर काम किया गया है। आपको बता दें कि निरहुआ के पहुंचने के बाद से भीड़ इस कदर इकट्ठा हो गई कि लोगों के लिए जगह ही कम पड़ गए, जिसके बाद से आनन-फानन में पुलिस ने निरहुआ की सुरक्षा बढ़ा दी। लेकिन भीड़ थी कि कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी। निरहुआ ने भोजपुरी गाना भी गाया, लेकिन लोगों का दिल इतना से नहीं भरा और लोग लगातार डिमांड कर रहे थे। निरहुआ ने पूरी तरीके से मंच से लोगों का मनोरंजन किया, साथ ही लोगों से ये वादा भी कराया कि वो भाजपा को वोट दें। न्यूज़ रूम से नदीम अहमद की रिपोर्ट।